हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि एस के वी के यू के बारे में, कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं, आप किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे और डेट्स कब आएंगे, एलिजिबल किस तरह से होंगे, पैटर्न क्या है इसका और सिलेबस। इसका जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म का एग्ज़ाम है, सॉरी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी ही रिलीज होंगे। और कि एस के वी के यू का फुल फॉर्म है क्रांति गुरु श्यामजी कृष्णा वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म है। वह सेटअप इन 2003। ये जो के एस के वी के यू का है वो 2003 में जो है सेटअप हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था। इज अ लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस्ड इन गुजरात। ये जो पोजीशन है वो गुजरात में है। इट प्रोफर्स अनग्रेजुएटेड पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च प्रोग्राम इन्वॉल्विंग बी ए एंड बी कॉम, एम एस सी एंड पी एच डी। द कोर्सेज प्रफर्ड एट द इज दिस इंस्टीट्यूट ओवर सॉरी कवर मोर देन एट स्पेशलिज्म एट द अनग्रेजुएशन लेवल एट सिक्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। मतलब ये जो कोर्सेज हैं उसके बेस्ड पर ही ये इंस्टीट्यूट कवर करते हैं। और इस आर्टिकल में जो है इसके बारे में हर एक चीज़ बताया गया है, जैसे कि एग्ज़ाम डेट के बारे में है, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, फ़ीस के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में इसमें दिया गया है। इस आर्टिकल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन जो है जल्दी ही रिलीज होंगे। जब रिलीज होंगे तो आपको इस वेबसाइट के इस लिंक पर आ जाएगा। फिर आपके लिए गुड न्यूज़ है कि इंडिया के टॉप 1 यूनिवर्सिटी में पारुल यूनिवर्सिटी में जो है वो फ्री फ्लो में एडमिशन ओपन हुआ है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी लिंक दी गई है। फिर यहाँ पे हाईलाइट्स दी गई हैं कुछ, जैसे कि यूनिवर्सिटी का नेम क्या है। यूनिवर्सिटी का नेम है के एस के वी के यू, इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया क्रांति गुरु श्यामजी कृष्णा वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी, इसका फुल फॉर्म है। और यहाँ पे यूजी पीजी एंड पीएचडी एंड रिसर्च प्रोग्राम इस सबके लिए ऑफर किया गया है कोर्स। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको ऑनलाइन मोड से फिल करना रहता है, एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मेथड से हो सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के यहाँ पे लिंक दी गई है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया एंड एड्रेस है नियर चंद्रेश्वर महादेव टेम्पल मुद्रा रोड डिस्ट्रिक्ट भुज गुजरात 300001। यहाँ पे इसका एड्रेस दिया गया है गुजरात का। फिर यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया गया है। फिर वाइस काउंसलर से कौन है, डॉक्टर डी सी ढोल, क्या इनका वो है वाइस काउंसलर है इसके। फिर गुजरात के सॉरी इंडिया के गुजरात स्टेट में इसका यूनिवर्सिटी है। इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे दी गई। इम्पोर्टेंट डेट्स अभी अनाउंस्ड नहीं की गई हैं, जब भी अनाउंस्ड की जाएंगी तो वही आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगी, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, एप्लीकेशन फॉर्म जो जल्दी रिलीज होंगी। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और नंबर आपको टाइप करना रहेगा। उसके बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप आगे के प्रोसेस कर सकेंगे, जैसे कि आपका नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फोटोग्राफ एंड आपका सिग्नेचर, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना रहेगा। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देना रहेगा, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होती हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको देना रहता है। आपको इस एड्रेस पर डॉक्यूमेंट्स देना रहेगा, यहाँ पे सेंड करना रहेगा आपको इस एड्रेस पे। फिर उसके बाद अगर आप सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जैसे कि कोर्स बीए के कोर्स के लिए यहाँ पे स्पेशलाइज आर्ट्स होने चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ पास मिनिमम 45% इन 12th एग्ज़ाम। आप 12th में मिनिमम आपका 45% होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। सेलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया, एकेडमिक प्रोफेशन यहाँ पे दिया गया। फिर यहाँ पे अलग अलग पीजी कोर्सेज के लिए यहाँ पे दी गई हैं। एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपको कितने मार्क्स क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे है। फिर यहाँ पर प्रिपरेशन टिप्स दिया गया है। तो सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम के लिए टाइम टेबल बनाना है। उसके बाद अगर आपने टाइम टेबल बना लिया है
तो फिर आपको पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करना रहेगा कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन देख लिया तो फिर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए आपके पास जो नोट्स होंगे और जो बुक्स होंगे आपको उसका स्टडी करनी है और कुछ नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको मिनिमम 4 to 5 आवर्स आपको स्टडी करनी है। और अगर आप चाहते तो आप उसमें सेलेक्ट हो जाएँ तो फिर आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएँ। और फिर हम आते हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम के 10-15 डेज पहले आती हैं, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आपको न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहेगा। उसके बाद अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन सही कर लिया है तो फिर आप सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिएगा और आप उसके बाद आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं याद है तो फिर आप एडमिट कार्ड अपना नहीं निकाल सकते। और अगर पासवर्ड भी भूल गए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं रहेगा तो फिर आप एग्ज़ाम में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इसलिए जब आप एप्लीकेशन अपना फॉर्म भरें तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड कहीं पर लिख लेना चाहिए जहाँ पर आपको रहते रहें। फिर यहाँ पर हम आते हैं रिजल्ट पे। रिजल्ट एग्ज़ाम में कुछ दिन बाद आती हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और रोल नंबर आपको टाइप करना रहता है। उसके बाद अगर आपने तीनों इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया तो फिर आप अपना रिजल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिजल्ट देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पर काउंसलिंग दी गई है, जैसे कि सी सच असिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मेंस इन द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन। आपको जिस तरह से मार्क्स रहेगा उस तरह से आपको सीट्स भी मिलेंगी और आपको इसलिए अच्छे नंबर से पास होना है। रिजर्वेशन इज सुटेबल फॉर प्रोसीजर ऑफ द गवर्नमेंट वेयर इलेक्शंस गिवन इन द मिनिमम क्वालिफिकेशन एज वेल। कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू गो फॉर एन एनुअल मेथड सॉरी ऑनलाइन मेथड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट इन द यूनिवर्सिटी। आपको ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट भी वह चेक करना रहता है ऑनलाइन मेथड से। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो फिर आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।